नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम सभी ने भारतीय रेलवे में सफर जरूर किया है। भारतीय रेलवे में पहले ICF कोच हुआ करते थे, जो कि नीले कलर के हुआ करते थे। अभी भी भारतीय रेलवे में बहुत सी ऐसी ट्रेन हैं जिनमें ICF कोच होते हैं। ICF कोच में पावर सप्लाई के लिए बैटरी लगाई जाती थी और वो बैटरी जल्द ही खराब हो जाया करती थी। इससे रेलवे के राजस्व में बहुत घाटा हुआ। इनके अलावा जो ICF कोच हुआ करते थे वो ना तो ज्यादा आरामदायक हुआ करते थे और ना ही मजबूत हुआ करते थे। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने लिंक हॉफमैन बुश कोच यानी कि LHB कोच लगाने की शुरुआत की गई। LHB कोच में पावर सप्लाई के लिए जनरेटर कोच लगाए गए, जिसमें एक जनरेटर आगे की तरफ होता है और एक जनरेटर पीछे की तरफ होता है, और ये दोनों जनरेटर पूरी ट्रेन में पावर सप्लाई देते हैं। LHB कोच काफी मजबूत होते हैं और काफी आरामदायक होते हैं। भारतीय रेलवे LHB कोच लगाने के बाद काफी तनाव मुक्त था, क्योंकि ये कोच यात्रियों को भी बहुत पसंद आते हैं और ज्यादा ही आरामदायक होते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने एक कमी इसमें कर दी, यानी कि भारतीय रेलवे ने इस कोच में पावर सप्लाई के लिए जनरेटर कोच लगाया गया, यानी कि LHB कोच को पावर देने के लिए जनरेटर लगाया गया। लेकिन ये जनरेटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में करीब करीब 20,000 से 30,000 रुपए डीजल की खपत करता है। डीजल की खपत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इस दौरान भारतीय रेलवे ने नई तकनीक की मदद से न सिर्फ ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा में इजाफा किया, बल्कि सफर को सुरक्षा और आरामदायक बना दिया है। इस कड़ी में जबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेनों में कोच में बिजली सप्लाई व्यवस्था की पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब इन कोच में सीधे ओवल हेड इक्विपमेंट यानी कि OHE से बिजली सप्लाई की जा रही है। मतलब के जो पहले जनरेटर कोच से बिजली सप्लाई की जाती थी, अब जनरेटर कोच के दोनों डब्बों को हटा के इंजन के करंट से ही पूरी ट्रेन में पावर सप्लाई को दौड़ाया जाएगा। अभी तक इसके लिए ट्रेनों के कोच के साथ दो जनरेटर कोच भी लगाने पड़ते थे। दरअसल जबलपुर से मुंबई के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचों में विद्युत सप्लाई जनरेटर कोच की बजाय विद्युत लाइन से की गई। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ऐसे करने से न सिर्फ ट्रेन में लगे जनरेट पर होने वाले करोड़ों के डीजल की बचत हो रही है, इसके साथ ही जनरेटर से निकलने वाली तेज आवाज और इससे होने वाले वायु प्रदूषण पर भी रेलवे ने नियंत्रण किया है। इसके बेहतर परिणाम सामने आने के बाद जबलपुर रेल मंडल की 22 ट्रेनों में इस तकनीक का उपयोग शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि जबलपुर से मुंबई तक 3,000 लीटर डीजल का खर्च गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में होता है। इस ट्रेन में बिजली देने के लिए रेलवे इसके रैक के साथ दो जनरेटर रैक भी लगाता था। इसमें कोचों में विद्युत सप्लाई की आपूर्ति पावर कार में लगे डीजल जनरेटर द्वारा होती थी। इस दौरान जबलपुर से मुंबई एवं वापस मुंबई से जबलपुर आने तक दोनों जनरेट कोच में लगभग 3,000 लीटर ईंधन लग जाता था, जो अब OHE से बिजली लेने से बच रहा है। यानी कि रेलवे के मुताबिक गरीब रथ में इस तकनीक से साल में लगभग 4.68 लाख लीटर डीजल की बचत होती है। ट्रेन के इंजन में लगे एंटीने की मदद से OHE से बिजली ली जाती है। इंजन द्वारा 25 किलोवाट की लाइन से सीधे लोको में 750 वोल्ट का AC करंट लेकर ट्रेन के सभी कोचों में लगे ट्रांसफार्मर तक इसे पहुंचाया जाता है। इसके बाद कोच में चलने वाले AC, विद्युत बल्ब और चार्जिंग सर्किट को इस बिजली आदि को सब विद्युत सप्लाई की जाती है। आपको बताते चलें कि जो LHB रैक होते हैं वो एक ट्रेन में सिर्फ 22 कोच को लगाया जाता है, जिसमें से दो जनरेटर कार होते हैं, जो कि एक आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होते हैं। इनके अलावा सिर्फ 20 कोच ही लगाए जाते हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय रेलवे में सिर्फ एक ट्रेन ऐसी है जिसमें 23 कोच को लगाया गया है। वो ट्रेन है प्रयागराज से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस। आइए आपको बताते चलें कि जबलपुर में कौन कौन सी ट्रेन में OHE तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पहले नंबर पर जो ट्रेन है वो है जबलपुर निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन। दूसरे नंबर की जो ट्रेन है जबलपुर निजामुद्दीन MP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। तीसरे नंबर की जो ट्रेन है जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन। चौथे नंबर की जो ट्रेन है वो है जबलपुर अजमेर दयोदया एक्सप्रेस ट्रेन। पांचवे नंबर की जो ट्रेन है वो है जबलपुर नागपुर अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन। छठवे नंबर की जो ट्रेन है वो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन। और आखिरी जो ट्रेन है वो है जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन। आपको बताते चलें कि LHB कोच में बिजली देने के लिए पावर जनरेटर का उपयोग बंद करने से एक महीने में डीजल की खासी बचत हुई है। जनरेटर हटाने के बाद इनकी जगह
जल्द ही दो अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे जिससे अतिरिक्त सीट और बढ़ जाएगी। इनके अलावा वायुमंडल में डीजल से होने वाले वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिली है। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।